ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। आपके अंदर लगन है, मेहनत कर सकते हैं तो आप रास्ता भी जरूर ढूंढ लेंगे। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टडी जर्नी व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहां मैं आज आप लोगों को साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूं, ये 29 नवंबर की है। थोड़ा सा व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि फ्रेंड्स मेरा एग्जाम था और मैं एग्जाम में बिजी थी। देन उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और कुछ एस्टेट वाले लोगों का पेपर था तो उनके लिए मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना था तो उसमें मैं बिजी थी। तो फ्रेंड्स चलिए आज के व्लॉग की आप देख रहे होंगे कि मैं अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैं आपको इस छोटी सी क्लिप जो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा जो वीडियो बनाया है इसके माध्यम से आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। अगर हम लोग मेहनत करेंगे, अपने अंदर विश्वास रखेंगे तो हम अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर के कामों में ही बिजी हूँ और जबकि आज मेरा एग्जाम भी है। तो फ्रेंड्स मेरी जो और बाकी फ्रेंड्स हैं, हाउसवाइफ हैं, मदर हैं और वो अपनी स्टडी नहीं कर पा रही हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हैं, सोचती हैं कि घर में काम होते हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए ही थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो है कि आप लोग देखिए अगर आपके अंदर लगन है। अब देखो मैंने भी एग्जाम दिया है, रिजल्ट होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन हमें कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक हम कर सकते हैं। हमें अपनी कोशिश आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग हार जाएंगे लेकिन ये जो हार है ये हमें बहुत ही अच्छे अनुभव सिखा करके जाएगी जो कि शायद हम कहीं पर सीखने के बावजूद भी नहीं सीख सकते, वो हमें ये वक्त सिखा देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपने घर के कामों में इतनी बिजी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है स्टडी करने का कि मेरा एग्ज़ाम है मैं कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लूँ। हाँ फ्रेंड्स, जब मैं सुबह मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो तब मैंने अपने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे थे कि मैंने किन किन वीडियो को सुनना है, किन किन से मेरा लास्ट रिविजन हो सकता है करंट अफेयर के लिए, कंप्यूटर के लिए, तो वो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही सुन लिए थे। वो सब मैं ब्लूटूथ की हेल्प से सुनती हूँ। मैं आपको भी यही एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास टाइम कम निकलता है स्टडी का तो आप लोग भी ब्लूटूथ रख सकती हैं जिससे कि आपके जो टॉपिक्स हैं आप उनको रिवाइज कर पाएं। आप भी और मैं भी अपने काम के साथ साथ अपनी स्टडी को भी अच्छे से देख सकती हैं। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मेरी फैमिली में भी 8 फैमिली मेंबर्स हैं और घर में मैं इकलौती बहू हूँ तो मुझे उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेरा खुद का अपना बच्चा भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टोटल मुझ पर ही है। उसका विशेषकर जो स्टडी का काम होता है वो भी मुझे ही करवाना पड़ता है, लेकिन मैं कैसे भी कैसे अपने बेटे के लिए समय निकाल ही लेती हूँ और मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टडी करना, अपना करियर बनाना, उसके लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। मेरा जो एक दूसरा चैनल है स्टडी जर्नी विद यू, वो मेरा मेन चैनल है जिसके ऊपर मैं कुछ स्टडी मटेरियल भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोग स्टडी मटेरियल देखना चाहते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर 5K से प्लस लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो मुझ पर बिलीव करते हैं। और फ्रेंड्स जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मैं उसकी कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई थी। अब आते वक्त की कुछ क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो सेंटर था वो गुरुग्राम आया था और मैं आते वक्त की कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम था वो 6 बजे फिनिश हुआ था और आते आते रात हो गई थी तो हमने थोड़ा सा बाहर ही डिनर किया, थोड़ा सा एंजॉय किया क्योंकि एंजॉय भी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि KVS की वैकेंसी आ चुकी है तो कल से आप लोगों को KVS के डेडिकेटेड व्लॉग देखने को मिलेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी KVS की प्रिपरेशन किस तरह से कर रही हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।